सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आजकल लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी पत्रकारों के साथ धरने पर बैठ जाते हैं तो कभी किसी फरियादी के साथ जमीन पर बैठकर उसकी बातें सुनते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास एक दिव्यांग अपनी फरियाद लेकर आया था। वो जमीन पर बैठकर अपनी फरियाद सुनाने की कोशिश कर रहा था, तभी केशव प्रसाद मौर्य उसकी समस्या जानने के लिए उसके पास आए और जमीन पर ही बैठ गए। फिलहाल ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी में पत्रकारों के साथ बैठकर धरना देने वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने दिव्यांग शिव मोहन पहुंचे थे। वे चलने में असमर्थ थे, ऐसे में जमीन पर बैठे बैठे अपनी फरियाद डिप्टी सीएम को सुनाना चाह रहे थे। डिप्टी सीएम उनकी बात सुनने के लिए उनके बगल में बैठ गए। शिव मोहन ने बताया कि वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। उनकी जमीन कोई हड़पने की कोशिश कर रहा है, इस बात से वे काफी परेशान हैं। डिप्टी सीएम ने शिव मोहन की पूरी बात सुनने के बाद उनकी अर्जी ले ली और अधिकारियों से मामले में कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। बता दें कि कुछ दिनों पहले कौशाम्बी में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मामूली बात को लेकर पत्रकारों के साथ बदसलूकी की थी, जिससे नाराज होकर दर्जनों पत्रकार वहां ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। इत्तेफाक ऐसा था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कौशाम्बी में मौजूद थे। पत्रकारों के धरना प्रदर्शन किए जाने की खबर जैसे ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लगी, वह आला अफसरों के साथ मौके पर पहुंच गए, जिससे अफसरों के हाथ पैर फूल गए और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों की लड़ाई को अपना समझकर उनके साथ धरने पर बैठ गए। बाद में डिप्टी सीएम ने पत्रकारों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पत्रकारों का धरना खत्म कराने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं सबको पत्रकार नहीं परिवार मानता हूं। अगर किसी के सम्मान के खिलाफ कोई बात हुई है तो इसके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भारत माता की जय बोलकर धरना को खत्म करवा दिया। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।